दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो पर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन 11 के बारे में, जो कि मैंने खुद से परचेस करा है। यानी कि मैं कहूँ कि ये मैंने खुद की अपनी इनकम से ही परचेस करा है। आपने बिल्कुल थंबनेल में सही पढ़ा था, यूट्यूब इनकम से ही, एफिलिएटेड मार्केटिंग, ब्लॉगिंग और भी अदर हैं, और मेरी कुछ सेविंग्स से मैंने फाइनली इस प्रोडक्ट को परचेस कर लिया भाई, अपनी मेहनत से। और इस चीज़ की अलग ही नेक्स्ट लेवल फीलिंग आ रही है। मैं इसे जस्टिफाई नहीं कर सकता आपके साथ भाई, नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग आ रही है। तो सोचा क्यों ना इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बना दिया। वैसे तो मैंने इसका प्रॉपर ब्लॉग बनाया था, बट वो मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया था, इस वजह से सारा डाटा उड़ गया, उसका अलग दुख है मेरे को। बट कोई नहीं, मैंने सोचा इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बना देते हैं आपके लिए, एक छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो। वैसे आप सबको ऑलरेडी पता होगा बॉक्स में क्या क्या चीज़ आती हैं, बट मैंने सोचा क्यों ना फिर भी अपनी फैमिली के लिए बना दिया जाए। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे हुए इस वीडियो को करते स्टार्ट फटाफट से। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना वीडियो के अंदर। तो वीडियो करते हैं फटाफट से स्टार्ट। तो दोस्तों, ये है कुछ बॉक्स जो कि आपको 2021 एडिशन देखने के लिए मिल जाएगा। एकदम स्लिम बॉक्स है, फ्रंट की तरफ आपको ब्लैक आईफोन देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने ब्लैक कलर ही परचेस करा है, ब्लैक का अलग ही क्रेज रहता है। साइड में आपको आईफोन, फ्रंट में जो भी सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है इसके एप्पल लोगों की, साइड में वही आईफोन, और बैक की तरफ इसके कुछ स्पेक्स वगैरह लिखे हुए हैं, वो हम इस वीडियो में बात नहीं करने वाले, करेंगे तो आगे देख लेंगे। ये जो वेरिएंट मैंने परचेस कराया 64 GB, ये वैसे तो 128 में करने की सोच रहा था, बट क्या करें यार, पैसे की थोड़ी कमी थी तो मैंने 64 GB ही परचेस कर लिया। सोचा क्यों ना बाकी का काम अपने स्टोरेज का मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन से करने वाला हूँ। ये भी बहुत सही है यार, फर्स्ट टाइम मैंने अपग्रेड कराया किसी एंड्रॉयड फ़ोन से iOS वाले डिवाइस पर, तो देखेंगे इसका एक्सपीरियंस। अपना एक्सपीरियंस भी मैं जरूर शेयर करूँगा कुछ टाइम बाद। तो फटाफट से हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये वैसे मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया था टेस्ट देखने के लिए, पर आपके लिए दोबारा से मैंने इसे पैक कर दिया था। तो ये इसकी पॉलिथीन से हम साइड में कर देते हैं, और ये हो गया इसका कुछ बॉक्स की क्वालिटी भी यार एकदम बढ़िया सी लग रही है यार, फीलिंग आ रही है कि हाँ आईफोन का बॉक्स आपने हाथ में पकड़ रखा है। आप नॉर्मल किसी भी फ़ोन के बॉक्स से देखोगे तो डेफिनेटली पूरा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। और फ्रंट की तरफ बात कर ले तो ये आता है आपका ब्लैक आईफोन, तो इसे हम साइड में रख देते हैं, देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। ये हमें मिल जाएगी एक टाइप सी टू लाइटनिंग केबल, इसके अंदर चार्जर देखने के लिए नहीं मिलेगा, एप्पल ने काम कर दिया है अपना। हमारा अनबॉक्सिंग के लिए मटेरियल एप्पल कम करता जा रहा है, और इसी को देखते देखते बाकी एंड्रॉयड डिवाइस भी जल्दी कॉपी कर लेंगे। और आपको कुछ पुस्तकें मिल जाएंगी इसके अंदर देखने के लिए, एक सिम इजेक्टर टूल देखने के लिए मिल जाएगा, और कुछ किताबें, और ये आपको एक स्टिकर देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी अब एक ही आता है, पहले दो आते थे। लिखा हुआ है यहाँ पे डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। तो बाकी तो इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं मेन अपने इस आईफोन की, फटाफट से हम इसकी इस पिन्नी को हटा लेते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ पिन्नी नहीं हटाई है इसी वजह से कि वीडियो बनानी थी, तो इसे हम फटाफट से हटाते हैं और देखते कैसी आवाज़ आती है। भाई इसका अलग ही सेटिस्फेक्शन लेवल है। अब मुझे पता पड़ा है कि बाकी सारे यूट्यूबर्स इसे ऐसा क्यों करते हैं, तो क्यों इस टाइप से हटाते हैं इस पिन्नी को। तो यही है कुछ डिज़ाइन इसका आईफोन का। इसमें 6.1 इंचेस की आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि फुल HD डिस्प्ले नहीं है, HD प्लस डिस्प्ले 720 से ऊपर है, बट इसकी डिस्प्ले 4K सपोर्ट करती है। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। और मैं कहूँगा किसी भी आप फुल HD फ़ोन से भी इसे टेस्ट करके देख लेना भाई, एप्पल ही रहेगा। आप कोई सा भी फ़ोन परचेस कर लो, पर आपके मन में ज़रूर एक बार ये चीज़ रह जाएगी, एक बार एप्पल तो परचेस करना ही था। और कुछ नहीं, बैक में इसमें आपको ग्लास देखने के लिए मिल जाएगा, फ्रंट में इसमें ग्लास देखने के लिए मिल जाएगा, और बैक में दो कैमरे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एक दोनों ही 12 MP कैमरे हैं, एक आपका नॉर्मल कैमरा और एक आपका वाइड एंगल कैमरा इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ड्यूल LED फ्लैश है इसमें। फ्रंट में भी आपको 12 MP का कैमरा, वही सामने की तरफ फ्रंट फेसिंग, iOS 14 इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और बाकी वही सारी एप्पल की चीज़ें इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और इसके फ़ोन की साइड की बात कर ले तो इसमें आपको वॉल्यूम रॉकर्स बटन देखने के लिए मिल जाएंगे, और इसका साइलेंट बटन देखने के लिए, इधर आपको सीरी का बटन और पावर अनलॉक ऑन का बटन देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल है, इसमें आपको केवल सिंगल सिम देखने के लिए मिल जाता है, बट ये फ़ोन ड्यूल सिम है, आप अपना दूसरा सिम eSIM करवा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है, उसमें भी कोई झंझट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओवरऑल फ़ोन की बात करी जाए तो यार कैमरे के मामले में, वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में, तो ये फ़ोन आपको पता ही है कैसा है, इसे कोई भी बीट नहीं कर सकता इसके बजट में, जहाँ तक मुझे लगता है मेरे ओपिनियन के हिसाब से। तो मतलब ओवरऑल मैं कहूँ यार, समझ सकते हो, एक अब थोड़ा सा हम भी एप्पल यूज़र आ चुके हैं, अब हम भी ऐसे करके सेल्फी लेके डालेंगे, मिरर सेल्फी अब से पोस्ट होने लग जाएंगे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हो फटाफट से कर लो, नीचे लिंक मैंने डाल रखी है इंस्टाग्राम की। अब मैं सोच रहा हूँ Q&A वीडियो करने का भी, तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ, मैं वहीं पर पोस्ट डालूंगा, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ लेना। यू नो, चिकनी चिकनी सी फीलिंग आ रही है, आती कुछ भी। यही था यार सिंपल इस बॉक्स में,
कि मैंने सोचा आपके लिए एक छोटी सी अनबॉक्सिंग इस वीडियो की डाल दूँ। आप इसे ब्लॉग टाइप से कह लो या वीडियो कुछ भी कह सकते हो आप इसे। पर्टिकुलरली वीडियो इसकी मैं बाद में बनाऊंगा, क्यों मैंने आईफोन 11 परचेज करा, XR क्यों नहीं, 12 क्यों नहीं, 12 मिनी क्यों नहीं, या फिर इसे अभी भी 2021 में परचेस करना वर्थ है, ये सारी वीडियो के लिए मैं एक सेपरेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो टॉपिक अलग चीज़ में कवर करेंगे। इसकी कैमरा क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सब चीज़ उसी में टेस्ट कर लेंगे। तो मैंने सोचा था ये छोटी वीडियो आपके लिए बहुत सही रहेगी। तो आई होप आपको यार वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो यार, एप्पल के लिए कर दो यार, एक लाइक तो कर दो, शेयर भी कर दो, कमेंट भी कर देना, कमेंट करोगे मुझे अच्छा लगेगा। तो गाइस मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। सो प्लीज सबर कराए सर सर व्हाटएवर।